तो देखिए 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, जिसे लेकर सुपर एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी के दिग्गजों का कांग्रेस पर जमकर निशाना भी देखा जा रहा है। आज फिर पीएम मोदी शहडोल में कांग्रेस पर तीर साधेंगे। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। शुक्रवार को खरगोन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनता से उन्होंने कहा कि नवंबर में नाथ का चैप्टर खत्म कर देना। इसके साथ ही खरगोन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं, गांधी के अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बिलासपुर में सीएम भूपेश पर नड्डा ने भी हमला बोला था। तो देखिए दिग्गजों के दौरे, बीजेपी के दिग्गज लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज भी कई विशेष कार्यक्रम है, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये स्कीम कमलनाथ ने रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? नवंबर में तुम उनको रोकोगे कि नहीं? तुम रोकोगे कि नहीं? ऐसे लोगों को घर पे बैठाओ और भाजपा को काम पे लगाओ और सेवा पर लगाओ। इस बात को हमको कारगिल युद्ध हो, हमारे नौजवान प्रहरी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दें और कमलनाथ कारगिल का चैप्टर ही गायब कर दे। आपने नवंबर महीने में इनका चैप्टर गायब कर देना, ये आप ध्यान रखना, ये आपको पूरा करना। ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार मेरी बात सोच कर ले, आखिर भ्रष्टाचार में डूबे भ्रष्टाचारियों के बादशाह हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भूपेश बघेल से जुड़ा, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भूपेश बघेल के इशारों पर, उसके बगैर नहीं हो रहा। बोलो ऐसे भ्रष्टाचारियों को घर बैठाओगे ना? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, घर बैठाओगे ना? जरूरी है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ की सेहत के लिए जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ छत्तीसगढ़ में आवश्यक है कि नहीं है? आप बताओ युवाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का अवसर देना जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ विकास के अपने आप को जोड़ना जरूरी है कि नहीं है? अगर ये सब जरूरी है तो भूपेश को घर बैठाना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम उसका काम करो, बाकी काम हम देखेंगे, हम लोग करेंगे। और इसी पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज है शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, चुनावी शंखनाद के साथ सौगातों का दौर जारी है, अपनी अपनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने की कवायद भी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पर भी बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। बहुत एग्रेशन के साथ निशाना साधते हुए नजर आए हैं जयप्रकाश नड्डा साहब, और जिस तरह से उन्होंने बात की है वो बहुत ही एक दिखाता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत ही टफ चुनाव देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां तो काफी एक लड़ाई, बड़ी मजबूत लड़ाई है दोनों पार्टियों के बीच में, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इधर कमलनाथ जी को और उधर भूपेश बघेल जी को निशाने पर लेने का फैसला किया जी। और करप्शन को एक इशू बनाने की कोशिश, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने महाजुटान के नेताओं पर आरोप लगाया कि करप्शन में घिरे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो कार्रवाई से बचना चाहते हैं, उन्हें चिंता है कि 2024 में फिर अगर मोदी आ गए तो दिक्कत उनके लिए बढ़ जाएगी। तो इसको लगता है कि बीजेपी अपने कैंपेन का एक प्रमुख हिस्सा बनाने जा रही है, इसीलिए वो कहीं ये आरोप लगा रही है कि जनहितकारी योजनाओं को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार और उसके मुख्य नेता कमलनाथ जी ने रोका,
तो छत्तीसगढ़ में भी वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल जी की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जिनके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे शुरू होने वाले हैं वो इसका किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत एग्रेशन में है, बहुत एग्रेसिव मोड पे है। तो ऋतु से कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी माहौल है ये अब और ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा और ज्यादा इसमें हमें जुबानी जंग के साथ साथ एक दूसरे पर तीखे हमले और गंभीर आरोप देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रधानमंत्री पर भी आज निगाह होगी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन उन्होंने मध्य प्रदेश से लॉन्च किया भोपाल से और आज शहडोल में है और 7 तारीख को उनका छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो इंतजार कीजिए, अब एक्शन पैक्ड ये 4 महीने हैं क्योंकि चुनाव में बमुश्किल 4 महीने बचे। जी बिल्कुल, और इन 4 महीनों में इसी तरह से वार पलटवार, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज तो आ ही रहे शरद जी, साथ ही कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं है, कांग्रेस भी निशाना साथी नजर आएगी ही। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिग्गजों के दौरे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में जारी है। आज एक हफ्ते में दूसरी बार होगा ये जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचने वाले, और साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे।